जी अब हम लेक्चर को रिवाइज करते हैं जी। जो कल हमने किया था, हमने टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 1 को इनकम स्टेटमेंट बनाई थी कल, और ये मार्जिनल से और अब्जॉर्प्शन से हमने किया। ये आपके सामने नजर आ रहा होगा। अंडर और ओवर की कैलकुलेशन भी की। फिर हमने ये भी कहा कि अंडर अब्जॉर्ब को कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में ऐड करते हैं, ओवर को कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड से लेस करते हैं। फिर हमने रिकंसिलेशन बनाई, और रिकंसिलेशन भी क्या थी कि हमने मार्जिनल प्रॉफिट से स्टार्ट किया, उसके अंदर कुछ ऐड किया, कुछ लेस किया, तो आंसर अब्जॉर्प्शन प्रॉफिट आ गया। और वो रिकंसिलेशन बेसिकली वो इसी फॉर्मूला को हमने स्टेटमेंट फॉर्म में कन्वर्ट किया। अभी आज हम एक और काम करेंगे, फिर आपको ये दोबारा से सारा रिवाइज हो जाएगा। अच्छा, अगर हम बुक पे आए तो हमने बुक से टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 1 तो की थी, बाकी मैंने कहा था कि ये आपने करना है। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 3 का मैंने ए पार्ट करा दिया था, 2 मैंने आपके लिए छोड़ी थी। लेकिन अभी कमेंट में मैंने देखा है कि एक बच्चे ने कहा कि सर टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 2 जो है वो करवा दें, तो मैं टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 2 करवाने लगा हूँ आपको। जिन लोगों को कुछ थोड़ा बहुत इशू रह गया था, वो इस अंडरस्टैंडिंग के बाद इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। आपने बस इसको ध्यान से सुनना है। रिक्वायर्ड, प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड 3 बेस्ड ऑन मार्जिनल कॉस्टिंग। यानी हमने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनानी है मार्जिनल कॉस्टिंग की बेस पे। और फिर कहते हैं प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड 3 बेस्ड ऑन अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। यानी हमने इनकम स्टेटमेंट पूरी बनानी है। प्रॉफिट कैलकुलेट करने को कहता तो हम फार्मूला से कर लेते, लेकिन यहाँ पे उसने कहा है कि आप इनकम स्टेटमेंट बनाएं, तो हमने इनकम स्टेटमेंट बनानी है। अच्छा, उसी स्टूडेंट ने मुझे कहा है कि सिर्फ अब्जॉर्प्शन वाली करा दें, मार्जिनल वाली रहने दें। लेकिन मैं एक दफा सवाल पढ़ लेता हूँ, मार्जिनल में इतना टाइम नहीं लगेगा, मैक्सिमम 5 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएंगे। चलें जी, क्वेश्चन पढ़ता हूँ। डू लिमिटेड मेक्स एंड सेल्स वन प्रोडक्ट द अल्फा। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर पीरियड 3। प्रोडक्शन यूनिट्स, सेल्स यूनिट्स, ओपनिंग इन्वेंट्री, फाइनेंशियल डाटा। फाइनेंशियल डाटा में उसने बता दिया सेलिंग प्राइस, कॉस्ट में बता दिया ये सेल प्राइस आ गई जी, वेरिएबल कॉस्ट मटेरियल, ये वेरिएबल होता है, लेबर भी वेरिएबल होती है, वेरिएबल ओवरहेड्स के साथ वैसे ही उसने वेरिएबल लिखा हुआ है, तो वेरिएबल ओवरहेड्स, फिक्स्ड ओवरहेड फिक्स्ड है और वेरिएबल सेलिंग है। फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स फॉर द पीरियड वर 52,500 एंड फिक्स्ड एडमिन ओवरहेड्स वर 13,500। अब हमने इनकम स्टेटमेंट बनानी है मार्जिनल से, तो मैं बना देता हूँ जी। सबसे पहले हमने कंपनी का नाम लिखना है, कंपनी का नाम है डू लिमिटेड। फिर हम स्टेटमेंट का नाम लिखेंगे, मार्जिनल कॉस्टिंग इनकम स्टेटमेंट। और किस पीरियड के लिए? फॉर द पीरियड 3। पीरियड 3 इसका नाम है। सेल्स 2300 यूनिट्स इसने सेल किए और प्राइस 90 है। 2300 × 90 तो ये बना 207,000। इसके बाद हमने कैलकुलेट करना होता है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो वो आता है ओपनिंग यूनिट्स जो कि जीरो हैं, इनटू पर यूनिट मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट में क्या क्या चीजें आएंगी? सिर्फ प्रोडक्शन से रिलेटेड वेरिएबल चीजें, तो वो पहली तीन चीजें बनती हैं 15, 18 और 12, 45। तो ये जीरो हो गया, प्रोडक्शन 2500 यूनिट्स की प्रोडक्शन हुई इनटू 45, 2500 इनटू 45 जब किया तो वो बना 1,12,500। क्लोजिंग,
अच्छा क्लोजिंग यूनिट्स कितने होंगे? फार्मूला कल लिखवाया था, ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग इज इक्वल टू सेल्स। तो क्लोजिंग अगर यहां से फाइंड करें, ओपनिंग जीरो है, जीरो प्लस 2500 माइनस 2300, तो क्लोजिंग का आंसर बनेगा 200। तो ये क्लोजिंग के यूनिट्स बन गए 200। 200 इंटू 45 जब आप करेंगे तो वो बनेगा 9000। तो 112500 में से जब आप 9000 लेस करेंगे तो ये आ जाएगी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, 103500। तो ये आपका बन जाएगा जी ग्रॉस कॉन्ट्रीब्यूशन। माइनस कर दें 207000 से तो ये आंसर आएगा 103500। अब इसमें से लेस करेंगे वेरिएबल सेलिंग, तो वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट जो है वो कितनी है? वन है जी, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट इज वन। तो वन इंटू यूनिट सोल्ड 2300, तो ये 2300 वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट इसमें से आप लेस कर दें तो ये बनेगा 101200। तो ये आ जाएगा जी आपका नेट कॉन्ट्रीब्यूशन या टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन। अब हम बनाएंगे पीरियड कॉस्ट। पीरियड कॉस्ट में आपको याद होगा कि मार्जिनल कॉस्टिंग में पीरियड कॉस्ट में सारी फिक्स्ड कॉस्ट आती हैं। तो हम फिक्स्ड दो तरह के दिए हुए हैं उसने क्वेश्चन में, फिक्स्ड प्रोडक्शन भी और फिक्स्ड एडमिन भी। तो हम इसी के नाम से लिख लेंगे फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट या ओवरहेड्स 52500, फिक्स्ड एडमिन कॉस्ट 13500। तो जब हमने इनको ऐड किया तो आपकी जो पीरियड कॉस्ट बनेगी वो 66000 होगी। यानी इस ये 66000 क्या है? टोटल पीरियड कॉस्ट। और जब ये इसमें से लेस करेंगे आप तो ये आंसर आ गया 35200। और ये मार्जिनल कॉस्टिंग की इनकम स्टेटमेंट थी तो इसको नाम देंगे मार्जिनल प्रॉफिट। जी बच्चों बता दें, ये आपके सामने मार्जिनल कॉस्टिंग की इनकम स्टेटमेंट बन गई। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग टू। ये मोस्टली लोगों ने कल कर भी ली थी, मेरे साथ व्हाट्सएप पे शेयर किया था, लेकिन अभी एक स्टूडेंट ने कहा कि करवा दें तो इसलिए करवा रहा हूं। जी तो ये मार्जिनल प्रॉफिट आपका निकल आया, इनकम स्टेटमेंट हमने बनाई। अब हम अगर अब्सॉर्प्शन से बनाएं तो वो भी बना लेते हैं। उसी तरह हम यहां पे लिखेंगे कंपनी का नाम डू लिमिटेड, अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग इनकम स्टेटमेंट। फॉर द पीरियड थ्री सबसे पहले सेल्स आएंगी, 2300 यूनिट आपने सेल किए एट द रेट 90, तो ये बना 207000। इसके बाद हमने इसमें से लेस करना होता है अब्सॉर्प्शन कॉस्ट ऑफ सेल। अब्सॉर्प्शन क्यों लिखा? क्योंकि कॉस्टिंग मेथड कौन सा यूज कर रहा हूं? अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग। उसमें सबसे पहले ओपनिंग की कॉस्ट आनी है जो कि जीरो है यूनिट्स में। अच्छा अब चाहिए अब्सॉर्प्शन कॉस्ट। तो अब्सॉर्प्शन कॉस्ट का फॉर्मूला आपको याद होगा, कल हमने कहा था कि अब्सॉर्प्शन कॉस्ट किसके इक्वल होती है?
जो मार्जिनल कॉस्ट हो उसके अंदर फिक्स्ड कॉस्ट भी ऐड कर दें। तो मार्जिनल कॉस्ट हमने बनाई थी 45 और फिक्स्ड ओवरहेड्स 30 के हैं जी, ये वाले 30 फिक्स्ड ओवरहेड्स प्रोडक्शन से रिलेटेड, तो ये कितना हो जाएगा 75। सो द अब्सॉर्प्शन कॉस्ट इज 75, तो हम यहां पे 75 लिखेंगे। तो ये चीज जीरो हो गई। फिर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन आपने की 2500 की, इसको 7500 से मल्टीप्लाई किया, 75 है अब्सॉर्प्शन कॉस्ट, 2500 इंटू 75 187,500 क्लोजिंग। अब क्लोजिंग के यूनिट्स कितने बनते हैं 200, ये हमने खुद से कैलकुलेट किए थे। कैसे? ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग इज इक्वल टू सोल्ड होता है, कल फार्मूला पढ़ा था, उसी फार्मूला में वैल्यूज पुट की तो 200 क्लोजिंग का आंसर आता है। 200 इंटू 75 तो 15,000 बना, इसमें से लेस करें और ये जो चीज आएगी ये कहलाती है जी अब्सॉर्प्शन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अनएडजस्टेड। याद होगा कल बताया था कि अब्सॉर्प्शन में जो सीजीएस निकलती है उसको क्या नाम देते हैं, अनएडजस्टेड सीजीएस। और अनएडजस्टेड क्यों कहते हैं, क्योंकि अंडर या ओवर की एडजस्टमेंट आनी होती है। तो जैसे ही आपने अनएडजस्टेड सीजीएस की फिगर कैलकुलेट की, फौरन से अंडर ओवर की कैलकुलेशन भी कर लेते हैं। अंडर और ओवर अब्सॉर्ब्ड ओवरहेड्स आर इक्वल टू अब्सॉर्ब्ड ओवरहेड्स माइनस एक्चुअल ओवरहेड्स। अब्सॉर्ब्ड फॉर्मूला होता है ओवरहेड अब्सॉर्प्शन रेट इनटू एक्चुअल लेवल, और एक्चुअल ओवरहेड्स उसने क्वेश्चन में खुद ही दे दिए थे, उसकी फिगर लिख लेते हैं 52,500। अच्छा, ओवरहेड अब्सॉर्प्शन रेट इज 30 पर यूनिट, तो एक्चुअल प्रोडक्शन हुई 2500 की। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2500 इंटू 30 75,000 माइनस 52,500। तो आपने अब्सॉर्ब ज्यादा कर लिए, 22,500 जो हैं ये ओवर अब्सॉर्ब्ड हैं, क्योंकि अब्सॉर्ब्ड ओवरहेड्स ज्यादा हैं। आपने 75,000 को एक्सपेंस बना लिया है और बनना था 52,500, तो आपने ज्यादा एक्सपेंस लिख लिया। तो अब आप मुझे बताएंगे कि ओवर अब्सॉर्ब्ड को क्या करना होता था, हम इसको लिखते कैसे थे, अंडर और ओवर अब्सॉर्ब्ड ओवरहेड्स। जी कमेंट आया है, देखते हैं कि क्या कहते हैं जी, ओवर को क्या करना है। जी शाबाश, ओवर को लेस करते हैं, तो 22,500 आपके ओवर अब्सॉर्ब्ड ओवरहेड्स आए। तो ये जो आंसर बनेगा इसको कहेंगे अब्सॉर्प्शन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो 150,000 इसका आंसर आया जी। और जब ये सेल्स में से लेस होगी तो इसको नाम दिया जाता है ग्रॉस प्रॉफिट का। $57,000 का ग्रॉस प्रॉफिट आया। अब इसमें से हमने कौन से खर्चे लेस करने, एक तो वेरिएबल सेलिंग लेस करनी है, तो वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट उसने क्वेश्चन में आपको दी हुई है $1 इंटू 2300, तो ये 2300 बनेगा, ये लेस होना है इसमें से। और एक फिक्स्ड एडमिन कॉस्ट रह गई है जिसे हमने अभी कंसीडर नहीं किया, तो फिक्स्ड 13,500 दिया हुआ है, वो लेस कर दें। तो जब आप इसमें से ये दोनों चीजें लेस करेंगे तो जो आपका प्रॉफिट का आंसर आएगा वो आएगा 41,200, और इसको नाम देंगे अब्सॉर्प्शन प्रॉफिट।
जी इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें जी, ये अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग की इनकम स्टेटमेंट बन गई। जी ताहा शेख ने कहा है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री प्रोडक्शन माइनस सेल से निकाल सकते हैं। बेटा नहीं, वो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, वो इस सवाल में तो आपका आंसर 200 ही आएगा, लेकिन अगर ओपनिंग यूनिट हुए तो आप गलत कर देंगे। आपने हमेशा ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग इज इक्वल टू सोल्ड, ये फार्मूला यूज करना है। ओपनिंग इस सवाल में जीरो था, प्रोडक्शन इतनी थी, क्लोजिंग फाइंड करना है और सोल्ड 2300 था, तो यहां से क्लोजिंग का आंसर, क्लोजिंग उस तरफ चला गया, 2300 इस तरफ आ गया, तो 200 आंसर आया। तो ये ऐसे ही आपने हमेशा करना है, शॉर्टकट यूज नहीं करना, वरना वो इस सवाल में तो सही रहेगा, अगले किसी सवाल में आपसे गलती हो जाएगी। अगर ओपनिंग दिया होता तो आपका कॉन्सेप्ट गलत हो जाना था। तो ये फॉर्मूला यूज किया है जी। जी आपको समझ आ गई है जी सबको, हमने अब्सॉर्प्शन से इनकम स्टेटमेंट भी कर ली। अब आखिर पे एक बात बताई थी कल, वो बात ये बताई थी कि अगर हम देखना चाहते हैं कि हमारा सवाल सही है तो रिकंसिलेशन बना लो। और रिकंसिलेशन कैसे करते थे, दो तरीके हैं रिकंसिलेशन करने के, एक तो स्टेटमेंट और एक फार्मूला। मसलन फार्मूला से पहले करते हैं, फार्मूला ये कहता था कि जो अब्सॉर्प्शन प्रॉफिट होगा वो इक्वल होगा मार्जिनल प्रॉफिट के प्लस क्लोजिंग यूनिट्स माइनस ओपनिंग यूनिट इनटू पर यूनिट फिक्स्ड ओवरहेड्स। ये फार्मूला मेथड है। मार्जिनल प्रॉफिट है 35,200 का, क्लोजिंग यूनिट है 200, ओपनिंग है जीरो और पर यूनिट। पर यूनिट ओवरहेड जो हैं वो कितने हैं, 30। तो इसका मतलब है 35,200 प्लस ये 200 माइनस जीरो हुआ तो 200 बचा, 200 को 30 से मल्टीप्लाई किया तो ये 35,200 प्लस 6,000, तो 35 में ये 6,000 ऐड करें तो ये 41,200 बनता है। इसका मतलब है अब्सॉर्प्शन प्रॉफिट 41,200 का होना चाहिए। तो इनकम स्टेटमेंट देखें, अब्सॉर्प्शन प्रॉफिट कितना है, बिल्कुल सही है, अब्सॉर्प्शन प्रॉफिट जो है वो 41,200 का ही है। तो ये साबित करता है कि आपका क्वेश्चन ठीक है। तो ये तो फॉर्मूला से हमने रिकंसिलेशन कर ली, और अगर हम स्टेटमेंट बनाना चाहें रिकनते हैं तो वो भी इसी फार्मूला से बनती है। मार्जिनल प्रॉफिट से स्टार्ट कर लो, 35,200, इसमें ऐड करना था क्लोजिंग यूनिट्स इनटू पर यूनिट फिक्स्ड ओवरहेड्स। ये याद हो गया होगा, अगर नहीं हुआ तो याद कर लीजिएगा, ये इसी से बनना है कि ये पर यूनिट फिक्स्ड ओवरहेड पहले क्लोजिंग से मल्टीप्लाई हुए, ये ऐड होगा और जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये लेस करना है क्योंकि नेगेटिव साइन है इनके दरमियान। तो क्लोजिंग यूनिट 200 के हैं इनटू 30, तो ये बना जी 6,000, और लेस करना होता है ओपनिंग यूनिट्स इनटू पर यूनिट फिक्स्ड ओवरहेड्स। ओपनिंग यूनिट्स आर जीरो इनटू 30, आंसर इज जीरो, तो लेस जीरो हुआ, तो ये जो आंसर आया ये आंसर अब्सॉर्प्शन प्रॉफिट का होगा। तो ये 41,200 आंसर आ गया। तो ये टैली है, तो ये साबित करता है कि आपकी कैलकुलेशन सारी ठीक है जी। आपको टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग टू मैंने करवा दी, जो मैंने कल स्किप कराई थी जिसकी वजह से आपको क्लास तेज लगी थी, ठीक है जी। ओके।
अच्छा, एक स्टूडेंट कह रही है कि सर अंडर का आंसर मेरा 9,000 आया है, लेकिन आंसर ठीक है प्रॉफिट, क्योंकि सर मैंने अब्जॉर्प्शन निकालते वक्त 75,000 माइनस एक्चुअल। सोबिया बेटा, आपका जो तरीका है ना वो तरीका गलत है, क्योंकि आपने ना 13,500 जो है वो आपने गलत जगह पे ट्रीट कर लिए हैं। 13,500 एडमिन कॉस्ट है, एडमिन कॉस्ट को एडमिन कॉस्ट की जगह पे ही लिखना है। अगर आप उसे प्रोडक्शन में डाल देंगे तो वो क्लासिफिकेशन गलत हो जाएगी। तो आपने इसी तरीके से करना है, यही तरीका ठीक है, इसी से आपको नंबर पूरे मिलेंगे जो मैंने आपको करवाया है। क्योंकि आपने वो 13,500 जो है वो किसी गलत जगह पे लिख लिए हैं, फिर आपने बाद में नहीं ना लिखे होंगे। तो यानी ये जो एडमिन कॉस्ट 13,500 है, ये इसको आपने ऊपर ट्रीट कर लिया है, तो वो लॉजिकली गलत हो गया, क्योंकि एडमिन कॉस्ट हमेशा प्रोडक्शन के बाद लिखनी होती है, जीपी के बाद लिखनी होती है। ये बेसिक रूल है इनकम स्टेटमेंट का, एफएफए में भी पढ़ा होगा आपने। तो इस तरीके से ये आपने करना है, आंसर निकालना मकसद नहीं है, लॉजिक भी ठीक होनी चाहिए। अच्छा, अब आप ऐसा करें कि ब्रेक करें और फिर हम किट स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बाकी का काम आपने कर लिया है। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 3 का ए पार्ट मैंने करवा दिया था आपको, बी पार्ट आपने कर लिया होगा, वो फार्मूला से ही करना था, सोल्यूशन मौजूद है। अगर नहीं हुआ तो किट की तरफ जाते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट वाइज हमने सब कुछ सीख लिया है। तो इंशाल्लाह ब्रेक के बाद 5 मिनट के बाद 12:40 पे हम स्टार्ट करते हैं।
जी स्टार्ट करते हैं जी। चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था, अब हम किट की तरफ जा रहे हैं। ये सबसे पहले वही रूटीन के कैपलान की किट और फिर बीपीपी की। क्वेश्चन नंबर 147, सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं कि इसमें रिक्वायर्ड क्या है। व्हाट इज द टोटल कंट्रीब्यूशन अर्नड, यानी हमने टोटल कंट्रीब्यूशन बताना है। एमसीक्यू है तो स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है, फार्मूला लगाएंगे। जो चीज रिक्वायर्ड है उसका फार्मूला लिख लेना जी आपने, काम आसान रहेगा। टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू क्या होता है, पर यूनिट कॉन्ट्रीब्यूशन मल्टीप्लाइड बाय यूनिट्स सोल्ड, ये फार्मूला होता है, हमने पढ़ा हुआ है, याद हो गया होगा आपको। अब क्वेश्चन का डाटा पढ़ते हैं और लिख लेते हैं। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स, फिक्स्ड ओवरहेड, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग प्राइस इज 20, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड आर बेस्ड ऑन द बजटेड प्रोडक्शन यूनिट्स ऑफ 1000, ओपनिंग इन्वेंट्री वाज 200, क्लोजिंग इन्वेंट्री वाज 150, सेल्स ड्यूरिंग द पीरियड 800 एंड एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड इंकर्ड 1500। तो अब देखें हमें जो जो चीजें चाहिए हमने सिर्फ उन पे फोकस करना है। हमें यूनिट सोल्ड चाहिए थे तो कितने दिए हुए हैं, 800। अच्छा पर यूनिट कंट्रीब्यूशन नहीं दिया हुआ, लेकिन आपको याद होगा मैंने आपको पर यूनिट कंट्रीब्यूशन का फार्मूला भी बताया हुआ है। पर यूनिट कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू पर यूनिट सेल प्राइस माइनस पर यूनिट ऑल वेरिएबल कॉस्ट्स, ये फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है। पर यूनिट सेल प्राइस इज 20 माइनस ऑल वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट मटीरियल वेरिएबल होता है, लेबर भी वेरिएबल है, वेरिएबल प्रोडक्शन भी और वेरिएबल सेलिंग भी, इनका टोटल कर लें 9 और 3 12 और 12 और 3 15। तो ऑल वेरिएबल कॉस्ट जो है वो कितनी बनेगी, $15। तो यहाँ पे हम $15 लिखेंगे तो ये बना $5 इज द पर यूनिट कंट्रीब्यूशन। तो $5 को जब आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 4000। सो द टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन अर्नड इन अ पीरियड इज 4000। तो ये सी ऑप्शन होगा जी आंसर। तो देखें सवाल आसान है, अगर कॉन्सेप्ट आते हैं तो सवाल का कोई मसला नहीं है। क्लियर जी, चले 148। ई ऑपरेट्स अ मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम, यानी ई एक कंपनी होगी, कंपनी मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम को यूज करती है। फॉर द कमिंग ईयर वेरिएबल कॉस्ट आर बजटेड टू बी 60% ऑफ सेल्स वैल्यू एंड फिक्स्ड कॉस्ट आर बजटेड टू बी 10% ऑफ सेल्स वैल्यू। इफ ई वर टू इंक्रीज द सेल प्राइस बाय 10% एंड अदर कॉस्ट एंड द प्रोडक्शन एंड सेल्स वैल्यूम वर टू रिमेन द सेम, वट वुड बी द इफेक्ट ऑन ईज कॉन्ट्रीब्यूशन। अच्छा ये जो सवाल है ना इसे एनालिटिकल क्वेश्चन कहते हैं। एनालिटिकल क्वेश्चन क्या होता है कि इसमें आपने अपने नॉलेज को यूज करके एनालिसिस करना है। जो पिछला सवाल मैंने आपको कराया है ये एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज है, यानी आपको टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन का पता था कि टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन ये होता है, तो आपने डाटा में से वैल्यूज पुट की तो आपने वो कैलकुलेशन कर दी, यानी नॉलेज की एप्लीकेशन हुई। ये जो क्वेश्चन है 148, दिस इज एनालिटिकल क्वेश्चन। एनालिटिकल क्वेश्चन उसको कहते हैं
जिसमें आपने अपना कोई एनालिसिस देना होता है। जैसे कि उसने कहा कि सिचुएशन ये है, ये पहली दो लाइनें बताई हैं सिचुएशन की, और अगली दो लाइनों में वो कंडीशन बता रहे हैं कि ये सिचुएशन है, इस सिचुएशन में रहते हुए फिर अगर ऐसा हो जाए तो बताइए कॉन्ट्रीब्यूशन पे क्या फर्क पड़ेगा। अब इस सवाल में ना उसने फिगर कुछ नहीं दी, तो हम खुद ही सपोज कर लेते हैं, लेट से सेल प्राइस इज $100, क्योंकि फर्ज करने पे तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना, हमने फर्ज कर लिया कि सेल प्राइस 100 है। अब सिचुएशन अप्लाई करते हैं, क्या सिचुएशन है, वेरिएबल कॉस्ट आर बजटेड टू बी 60% ऑफ सेल्स वैल्यू। इसका मतलब है वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी, जो भी सेल वैल्यू है उसका 60%, तो इसका मतलब है 100 का 60% लेंगे तो क्या आ जाएगा 60। ये वेरिएबल कॉस्ट कितनी क्वेश्चन में बताई हुई थी, 60%, तो इसका मतलब है कंट्रीब्यूशन कितना निकलेगा, कंट्रीब्यूशन निकलेगा 40। अच्छा, अब वो कंडीशन लगाते हैं, इफ द सेल प्राइस इंक्रीज बाय 10%, यानी ये पुरानी सिचुएशन थी, अब मैं नई सिचुएशन अज्यूम करने लगा, कहता है नई सिचुएशन में क्या करें, सेल प्राइस 10% बढ़ा दें तो 110 हो जाएगी, सेल प्राइस इंक्रीज कर दो 10% तो कितनी हो जाएगी, 110 हो जाएगी, एंड ऑल अदर कॉस्ट एंड प्रोडक्शन वॉल्यूम वर टू रिमेन द सेम, यानी बाकी सारी चीजें वही रहे, यानी वेरिएबल कॉस्ट उतनी ही रहे, तो कॉन्ट्रीब्यूशन क्या आएगा 50, यानी कॉन्ट्रीब्यूशन पहले 40 था अब 50 हो गया, तो कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ा कितने परसेंट, बढ़ा परसेंटेज इंक्रीज या परसेंटेज चेंज। तो आपको याद होगा कॉस्ट क्लासिफिकेशन में मैंने आपको परसेंटेज चेंज का फार्मूला लिखवाया था, क्या फार्मूला था, चेंज डिवाइडेड बाय ओल्ड मल्टीप्लाइड बाय 100। तो कितना चेंज आया, चेंज किसको कहते हैं, डिफरेंस को, 40 से बढ़ के 50 हुआ तो कितना डिफरेंस आया 10 का, 50 माइनस 40, व्हाट इज द ओल्ड कंट्रीब्यूशन 40 इनटू 100। तो इसको जब सॉल्व करेंगे 10/40 × 100 तो ये कितना बनेगा 25% इंक्रीज। क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं जरा देखूं कि क्या पूछ रहे हैं आप लोग। अच्छा 10% इंक्रीज नहीं, 10% तो देखें गलत हो गया आपका, 10 तो डॉलर में था, यानी $40 से $50 हुआ, तो वो तो $10 है, परसेंटेज आपके सामने निकल आई है, परसेंटेज चेंज कैसे निकलेगी, चेंज डिवाइडेड बाय ओल्ड, यानी कंट्रीब्यूशन की चेंज निकालनी थी, तो हमने कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ओल्ड कंट्रीब्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100 किया तो 25% आंसर आ गया, 10% आंसर नहीं है। सलमान, आयशा, फैजान, आपने 10% आंसर बताया है, ये गलत है, 10% आंसर नहीं होगा, 25% का इजाफा हुआ, ये आपके सामने कैलकुलेशन नजर आ रही है। तो आंसर क्या बना फिर, डी ऑप्शन, एन इंक्रीज ऑफ 25%। अब देखिए एक्स्ट्रा डाटा भी दिया हुआ था, फिक्स्ड कॉस्ट इतनी है, फलां चीज इतनी है, उसे हमने कंसिडर ही नहीं किया क्योंकि हमें उसने इम्पैक्ट कंट्रीब्यूशन पे पूछा था, तो हमने कंट्रीब्यूशन तक ही रहना है। तो अब देखें इस सवाल में ना डॉलर नहीं थे, तो हमने फर्ज कर लिया, तो आप भी हमेशा ऐसे ही किया करेंगे कि जो चीज नहीं है उसे आप सपोज कर लें, कुछ भी फिगर ले लें, 10 ले लें, 20 ले लें, और फिर उस कंडीशन के मुताबिक कन्वर्ट कर लें। अभी ऐसे सवाल और भी आएंगे तो आगे जाके मजीद क्लियर हो जाएगा। तो ये एनालिटिकल क्वेश्चन था, इसके अंदर फिगर नहीं थी, लेकिन हमें ये पता होता है कि सेल प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट लेस करें तो कंट्रीब्यूशन आता है, और फिर उसकी कंडीशन ये थी कि अगर मैं सिर्फ प्राइस को 10% बढ़ाऊं और बाकी किसी चीज को ना बढ़ाऊं तो फिर क्या फर्क पड़ेगा। तो हमने देखा कि कंट्रीब्यूशन में 25% का इजाफा हो गया। जी जी, कोई भी फिगर आप ले सकते हैं, 10 ले लें, 20 ले लें, 50 ले लें, 100 ले लें, 1000 ले लें, कोई भी फिगर लें, उसके मुताबिक आपने बस उसे कन्वर्ट कर देना।
आसानी की खातर मैंने 100 ले ली थी। ओके जी 149। लास्ट मंथ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज प्रॉफिट वाज 2000 कैलकुलेटेड यूजिंग अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग, यानी अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग में उसने 2000 का प्रॉफिट कैलकुलेट किया। इफ मार्जिनल कॉस्टिंग प्रिंसिपल हैड बीन यूज्ड अ लॉस ऑफ 3000 वुड हैव अकर्ड, यानी मार्जिनल में लॉस आया, अब्सॉर्प्शन में प्रॉफिट आया। फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट इज 2 पर यूनिट एंड सेल्स वर दिस, व्हाट वाज द मंथली प्रोडक्शन। तो ये निकाली जा सकती है, ये रिवर्स कैलकुलेशन है, बिल्कुल निकाली जा सकती है, हमने पढ़ा हुआ है। मैं आपको इसकी कैलकुलेशन कर देता हूं। हमने ये पढ़ा था अब्सॉर्प्शन प्रॉफिट इज इक्वल टू मार्जिनल प्रॉफिट, क्लोजिंग यूनिट्स माइनस ओपनिंग यूनिट्स इनटू पर यूनिट फिक्स्ड ओवरहेड्स। और मैंने कहा था कि कुछ भी फाइंड कराया जा सकता है। अब्सॉर्प्शन में कहता है प्रॉफिट आया है, जी अब्सॉर्प्शन में प्रॉफिट था 2000 का और मार्जिनल में लॉस था, तो ये 2000 प्रॉफिट है, मार्जिनल में लॉस है 3000 का। क्लोजिंग यूनिट्स माइनस ओपनिंग यूनिट्स के बारे में कुछ नहीं बताया हुआ, और पर यूनिट फिक्स्ड ओवरहेड्स भी बताए हुए थे 2 पर यूनिट। ये देखें पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट इज 2 पर यूनिट इंटू 2। इसको सॉल्व करते हैं जी, 2000 प्लस 3000 इज इक्वल टू क्लोजिंग यूनिट्स माइनस ओपनिंग यूनिट्स इंटू डॉलर 2। ये 2000 और 3000 हो जाएगा 5000 इज इक्वल टू क्लोजिंग यूनिट्स माइनस ओपनिंग यूनिट्स इंटू डॉलर 2। ये डॉलर वाली रकमें एक तरफ कर लें, डॉलर 5000 डिवाइडेड बाय डॉलर 2 इज इक्वल टू क्लोजिंग यूनिट्स माइनस ओपनिंग यूनिट्स। ये डॉलर से डॉलर कैंसिल हो गया, आंसर के साथ अब डॉलर नहीं आएगा, और ये आ गया क्लोजिंग यूनिट्स माइनस ओपनिंग यूनिट्स। हम यहां पे आके रुक गए। अब उसने हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या था, उसने पूछा था व्हाट इज द प्रोडक्शन। तो आपको याद होगा अभी एक फॉर्मूला आपको लिखवाया, ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग इज इक्वल टू सोल्ड। प्रोडक्शन हमने फाइंड करनी है, ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग इज इक्वल टू सोल्ड। क्वेश्चन में सोल्ड दिया हुआ है, ये देखें सेल्स लास्ट मंथ वर 10,000, इसका मतलब है प्रोडक्शन किसके बराबर बनेगी। अगर मैं प्रोडक्शन फाइंड करना चाहता हूं तो ये बनेगा सोल्ड प्लस क्लोजिंग यूनिट्स माइनस ओपनिंग यूनिट्स। ये क्लोजिंग यूनिट्स उधर जाके ऐड हो गया, ओपनिंग उधर जाके लेस हो गया, तो सोल्ड की फिगर उसने मुझे बताई हुई है और प्लस क्लोजिंग यूनिट्स माइनस ओपनिंग यूनिट्स। तो प्रोडक्शन हमने बतानी है, स्क्रीन पे देखिएगा ये जो 2500 है ये किसके बराबर है, ये क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। इसका मतलब है ये जो इतनी चीज है इन दोनों का आंसर क्या है 2500 है, तो क्या मैं इन दोनों की जगह पे 2500 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ क्योंकि वो बराबर है। इसका मतलब है इसकी प्रोडक्शन कितनी हुई 12500 की। तो ये रिवर्स वर्किंग उस दिन हमने डिस्कस की थी ना कि कुछ भी मिसिंग फिगर आ सकती है, बस हमारा दिमाग चलना चाहिए। तो देखें इस सवाल में उसने हमें अब्सॉर्प्शन प्रॉफिट भी दिया हुआ था, मार्जिनल प्रॉफिट भी दिया हुआ था, पर यूनिट फिक्स्ड ओवरहेड दिए हुए थे। तो हमने यहाँ पे
एक चीज निकाली और वो चीज किसके बराबर थी, क्लोजिंग यूनिट्स माइनस ओपनिंग यूनिट। तो बाद में हमने वो प्रोडक्शन वाला फॉर्मूला यूज किया, प्रोडक्शन फाइंड करनी थी, तो वो दोनों इस तरीके से अरेंज हो गए कि वो एग्जैक्टली उसके बराबर आ गए। तो ये समझ आ गया होगा, अगर नहीं आया तो मुझे बताएं। जी मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने आंसर भेज भी दिए था, 12,500, शाबाश। ठीक है, जी ओके हो गया। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये हमने सॉल्यूशन किया है क्वेश्चन नंबर 149 का, क्वेश्चन नंबर 149 कैप्लान। ओके जी, 150। अब इस क्वेश्चन की भी सबसे पहले रिक्वायरमेंट देखें, हाउ मच प्रॉफिट इज मेड अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग इफ कंपनी सेल्स 250,000 यूनिट्स। यानी हमने मार्जिनल कॉस्टिंग में प्रॉफिट बताना है, तो फार्मूला लिखते हैं मार्जिनल प्रॉफिट का। फार्मूला, मार्जिनल प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। अब डेटा में से इसके एक्सट्रैक्ट ढूंढते हैं। अ कंपनी प्रोड्यूसेस एंड सेल अ सिंगल प्रोडक्ट हूज वेरिएबल कॉस्ट इज 6, फिक्स्ड कॉस्ट हैव बीन अब्सॉर्ब्ड एट अ नॉर्मल लेवल। अच्छा, ये नॉर्मल लेवल बजटेड लेवल का ही दूसरा नाम है, नॉर्मल लेवल या बजटेड लेवल एक ही बात होती है, ये याद रखिएगा। 200,000 यूनिट्स एंड हैव बीन कैलकुलेटेड $2 पर यूनिट, करंट सेलिंग प्राइस इज 10। तो कंट्रीब्यूशन निकालना है और फिक्स्ड कॉस्ट निकालनी है, तो टोटल कंट्रीब्यूशन का फार्मूला आपको पता है, टोटल कंट्रीब्यूशन का फार्मूला होता है पर यूनिट कंट्रीब्यूशन इनटू यूनिट सोल्ड। पर यूनिट कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट किया जाता है सेल प्राइस जो कि क्वेश्चन में बताई हुई है 10, माइनस ऑल वेरिएबल कॉस्ट जो कि 6 है, और यूनिट सोल्ड उसने बताया हुआ है 250,000। तो इसका मतलब है 4 × 250,000 करेंगे तो 1,000,000 का आपका टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। तो यहाँ पे हम 1,000,000 लिख देंगे। अब हमें चाहिए टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट दी नहीं हुई, लेकिन देखें ओएआर भी दे दिया हुआ है और बजटेड लेवल भी दे दिया हुआ है। तो आपको याद होगा कि आप ओएआर की कैलकुलेशन जब करते थे, ओवरहेड अब्सॉर्प्शन रेट इज इक्वल टू बजटेड ओवरहेड कॉस्ट डिवाइडेड बाय बजटेड लेवल। रेट इज 2, लेवल इज 200,000, तो यहां से बजटेड ओवरहेड की कॉस्ट आ जाएगी। तो बजटेड ओवरहेड कॉस्ट कितनी निकल आएगी, 400,000। तो यही फिक्स्ड कॉस्ट होती है, तो ये 400,000 जो है ये यहाँ पे लिख देंगे। तो 1,000,000 में से 400,000 लेस करें तो 600,000 आपका मार्जिनल प्रॉफिट होगा। दिस इज द आंसर। तो देखें कैलकुलेशन नहायत आसान है अगर हमें वो 3-4 फॉर्मूलाज आते हैं, बार बार वही चीजें सारी रिपीट हो रही हैं। और ये बजटेड ओवरहेड कॉस्ट मैंने आपको उस दिन टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 1 में भी कैलकुलेट करना सिखाई थी, ये वही फार्मूला यूज हुआ है आज। 151, अ कंपनी मैन्युफैक्चरर्स एंड सेल अ सिंगल प्रोडक्ट, फॉर दिस मंथ द बजटेड फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर 48,000। ये बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड उसने बता दिए।
बजटेड प्रोडक्शन भी बता दी, बजटेड सेल्स भी बता दी. कंपनी अब्सॉर्ब कर यूज करती है अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग. इफ द कंपनी यूज्ड मार्जिनल कॉस्टिंग प्रिंसिपल इंस्टेड ऑफ अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग, व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन बजटेड प्रॉफिट. अब देखो, अफेक्ट ऑन बजटेड प्रॉफिट का मतलब है कि दोनों में डिफरेंस कितना आएगा. अफेक्ट का क्या मतलब होता है कि एक चीज पहले कितनी थी, बाद में कितनी हुई. तो कंपनी पहले कौन सा मेथड यूज कर रही है, अब्सॉर्प्शन. इसका मतलब है कंपनी का अब्सॉर्प्शन का प्रॉफिट आया होगा. अब वो कहता है इफ द कंपनी यूजेस मार्जिनल कॉस्टिंग, अगर वो मार्जिनल कॉस्टिंग में जाए तो फिर प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ेगा. तो इसका मैंने आपको कल सिखाया था कि डिफरेंस इन प्रॉफिट्स लेना होता है. हमें क्या चीज लेनी होती है, डिफरेंस इन प्रॉफिट्स. तो आपको इसका फॉर्मूला लिखवाया था, क्लोजिंग यूनिट्स माइनस ओपनिंग यूनिट्स इनटू पर यूनिट फिक्स्ड ओवरहेड्स. ये फॉर्मूला होता है जी डिफरेंस का. अब क्वेश्चन से ढूंढ लेते हैं इसकी चीजें. कंपनी ने बजटेड प्रोडक्शन की 12,000 और सेल कर दिया 11,720. ओपनिंग क्लोजिंग का नहीं बताया हुआ, तो जिसका नहीं बताया तो ओपनिंग अगर ना बताई हो तो वो जीरो होती है. तो जीरो प्लस 12,000 माइनस 11,720 तो वो क्लोजिंग आ जाएगा. जीरो प्लस 12,000 माइनस 11,720 तो क्लोजिंग के आंसर बना जी 280 और ओपनिंग कितना है, जीरो है. ओपनिंग जीरो कहां से पता चला, क्वेश्चन में दिया नहीं हुआ तो वो जीरो है. इनटू पर यूनिट फिक्स्ड ओवरहेड, तो पर यूनिट फिक्स्ड ओवरहेड निकाल सकते हैं. ये बजटेड ओवरहेड है 48,000, ये बजटेड लेवल है. तो ओएआर निकालना हो तो क्या करते हैं, बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड लेवल, तो 4 आ जाएगा जी. 48,000 आपके बजटेड ओवरहेड थे, ये था, तो ये 4 आंसर आ गया इसका जी. तो 280 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11,20 आया. अब आप देखें ना तो 11,20 के दो आंसर हैं, ए है या बी है, हायर होगा या लोअर होगा. अब बात गौर से सुन लीजिएगा. कल मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताए थे कि अगर क्लोजिंग यूनिट ज्यादा हो तो किसका प्रॉफिट ज्यादा होता है, अब्सॉर्प्शन का. अगर ओपनिंग ज्यादा हो तो किसका प्रॉफिट ज्यादा होता है, मार्जिनल का. और अगर दोनों बराबर हो तो दोनों का प्रॉफिट भी सेम होता है. ये 3 पॉइंट कल हम पढ़े थे. अब इस नॉलेज की एप्लीकेशन का वक्त आ गया है कि हमें आता है, हमें पता है कि क्लोजिंग ज्यादा हो तो अब्सॉर्प्शन का प्रॉफिट बड़ा होता है. ठीक है, क्लोजिंग यूनिट्स आर ग्रेटर देन ओपनिंग यूनिट्स. इन दिस केस अब्सॉर्प्शन प्रॉफिट इज ग्रेटर देन मार्जिनल प्रॉफिट. ये नॉलेज हमें पता है. अब इस नॉलेज को इस सवाल में अप्लाई करना है. अब ये बात सारे बच्चों को समझ नहीं आएगी पहली दफा, ध्यान से सुनिएगा. ये जो सवाल है, ये सवाल ये कहता है कि कंपनी इस वक्त अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग पे है, यानी कंपनी ने पहले अब्सॉर्प्शन का प्रॉफिट कैलकुलेट किया हुआ है. अब वो कंपनी जब मार्जिनल पे जाएगी तो उसका प्रॉफिट चेंज होगा. कितना चेंज होगा ये पता चल गया हमें 11,20. यानी अगर पहले जो प्रॉफिट है वो बड़ा होगा, बाद वाला प्रॉफिट थोड़ा होगा, तो आंसर सेलेक्ट करेंगे 11,20 लोअर. अब कईयों ने जुनूनी होके हायर वाला पहले ही सिलेक्ट कर लिया होगा कि अच्छा जी 11,20 आ गया और सर ने बता भी दिया कि क्लोजिंग ज्यादा हो तो अब्सॉर्प्शन का प्रॉफिट ज्यादा होता है, तो हायर नहीं करना सिलेक्ट. सिचुएशन भी समझे, सिचुएशन ये है कि आप पहले अब्सॉर्प्शन में थे, आप अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम यूज कर रहे थे. अब आपने अब्सॉर्प्शन से शिफ्ट होके किधर जाना है, मार्जिनल पे जाना है. तो जब आप मार्जिनल पे जाएंगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा इस कंपनी का, इसलिए मुझे आंसर सिलेक्ट करना है 11,20 लोअर. अब इस सिर्फ इस क्वेश्चन के बारे में मुझे बताएं, 151 के बारे में, कि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि मैंने लोअर को क्यों सिलेक्ट किया.
जी वालेकुम सलाम। ओके, मोस्टली स्टूडेंट्स ने कहा है कि हो गई है। सिर्फ एक स्टूडेंट ने कहा है कराची का कोई रजिस्ट्रेशन नंबर है, उसने कहा है कि सर नहीं मुझे नहीं हुई। चलें देखते हैं जी, आपको भी समझाने की कोशिश करते हैं। ओके जी, मैं रिपीट कर रहा हूँ इस बात को। हमें ये पता है कि जब क्लोजिंग यूनिट ज़्यादा हो तो अब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट ज़्यादा होता है, इससे तो सारे एग्री करते होंगे, कल बताया था ये। तो इस सवाल में 280 बड़ी रकम है जीरो की निस्बत, तो अब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट ज़्यादा होगा। अब क्वेश्चन की वर्डिंग देखें। अब ये वो चीज़ है जो आपको पांचवी छठी जमात से ट्रांसलेशन सिखाई जाती है। अब वो क्या वर्डिंग है? इफ द कंपनी यूज्ड मार्जिनल कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स इंस्टेड ऑफ अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फॉर द मंथ, कहता है अगर वो अब्जॉर्प्शन की बजाय मार्जिनल में शिफ्ट हो जाए तो प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ेगा। तो हमें ये पता है कि इस सिचुएशन में अब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट बड़ा होगा, दिस विल बी द हायर फिगर। क्यों? क्योंकि हमने देखा था कि जब क्लोजिंग ज्यादा होते हैं तो अब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट हाई होता है और मार्जिनल का प्रॉफिट लोअर होता है। अब मैं हायर वाली चीज को छोड़ के लोअर पे शिफ्ट होऊंगा तो मेरा जो नया आंसर आएगा वो 11:20 लोअर होगा। और अगर यही सवाल ये होता कि ये मार्जिनल से उठ के अब्जॉर्प्शन पे जा रहा है तो फिर आंसर होना था 11:20 हायर। अब मुझे सिर्फ वो बच्चे जवाब दें जिन्होंने मुझे पहले नो का आंसर किया था कि अब समझ नहीं आई, अब वो मुझे जवाब दें कि उनको समझ आई है। जी ठीक है फैजान, उसने बिल्कुल सही, आपने अंडरस्टैंड किया है कि अब्जॉर्प्शन से मार्जिनल में जाना है, तो सही है, आपको तो क्लियर हो गया। कराची वाले भाई ने भी कह दिया और मदिया सही ने भी कह दिया है। ठीक है जी, तीनों के जो थे वो आंसर क्लियर हो गए। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अभी तो ये पहला सवाल था इस तरह का, इस तरह के सवाल अभी काफी आने। 152, व्हेन ओपनिंग इन्वेंट्री वाज 8500 लीटर्स, क्लोजिंग इन्वेंट्री वाज 6750 लीटर्स, अ फर्म हैड अ प्रॉफिट यूजिंग मार्जिनल कॉस्टिंग। अज्यूम दैट द फिक्स्ड ओवरहेड रेट इज 3, व्हाट वुड बी द अब्जॉर्प्शन प्रॉफिट। तो ये तो बड़ा आसान सा सवाल है ना। 152 यहाँ पे कर देता हूँ। अब्जॉर्प्शन प्रॉफिट बताना है, फॉर्मूला पता है। अब्जॉर्प्शन प्रॉफिट इज इक्वल टू मार्जिनल प्रॉफिट क्लोजिंग यूनिट्स माइनस ओपनिंग यूनिट्स इनटू पर यूनिट फिक्स्ड ओवरहेड्स। अब जो जो डाटा दिया हुआ था उसको देख लेते हैं। मार्जिनल का प्रॉफिट दिया हुआ है 72,300, 72,300। क्लोजिंग यूनिट्स, ओपनिंग इन्वेंट्री 3 है, नहीं सॉरी, ये मैंने दूसरा सवाल शुरू कर लिया। 152 करना था। अच्छा जी, 152 में प्रॉफिट है 62,100, 62,100 प्रॉफिट है। ओपनिंग इन्वेंट्री 8500 है, क्लोजिंग 6750 है, फिक्स्ड ओवरहेड रेट जो है वो 3 पर लीटर है, इनटू डॉलर 3 पर लीटर। ये हुआ 62,100, इनका डिफरेंस लें, 6750 माइनस 8500 माइनस में आएगा इनटू 3, तो ये फिगर प्लस वाली माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी, तो ये बना 5250। तो 62,100 में से जब ये लेस होगा तो अब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट आएगा 56850।
तो ये अब्सॉर्प्शन का प्रॉफिट आ गया। जी बता दें, ये समझ आ गई या आपको? बहुत आसान सा सवाल था। ओके, ये कॉपी क्वेश्चन है 153, ये आप खुद करेंगे। आप नंबर लिख लें 153, आपने खुद करना है। अब्सॉर्प्शन का प्रॉफिट ही बताना है इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेट टू मार्जिनल कॉस्टिंग एंड विच ऑफ द फॉलोइंग टू अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग। द कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट इंक्लूड एन अलाउंस फॉर फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट। जी, ये जो पहली स्टेटमेंट है कहता है कि प्रोडक्ट की कॉस्ट के अंदर फिक्स्ड कॉस्ट किस मेथड में शामिल होती है। आंसर बताएं जरा, इसका आंसर क्या होगा, मार्जिनल या अब्सॉर्प्शन पहली स्टेटमेंट का? जी शाबाश, अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग बिल्कुल सही है, क्योंकि अब्सॉर्प्शन में फिक्स्ड ओवरहेड प्रोडक्ट की कॉस्ट का हिस्सा बनते हैं। द कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट रिप्रेजेंट्स द एडिशनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन एक्स्ट्रा यूनिट। तो ये किस चीज की डेफिनेशन थी कि द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन एक्स्ट्रा यूनिट, तो ये मैंने आपको लिखवाई थी ना इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन, तो ये मार्जिनल कॉस्ट है। जी शाबाश। तो देखें, क्लास में की हुई कोई एक बात भी जाया नहीं जाएगी आपकी, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से असेस हो जाएगी, तो इसलिए सारी बातें ध्यान से सुना करें। और रिकॉर्डिंग की ऑप्शन आपके पास मौजूद होती है, जब मर्जी आप सुने, ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। ओके जी, द बजट फॉर बीज फर्स्ट मंथ ऑफ ट्रेडिंग प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग बोर्ड्स वाज एज फॉलोज। ये वेरिएबल कॉस्ट है, 1000 राउंड किया हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है $000, इसका मतलब है 1000 राउंड हुआ हुआ है, 45,000 है ये फिगर। फिक्स्ड कॉस्ट है 30,000, टोटल कॉस्ट बनी 75,000, कितनी बोर्ड्स की, 750 बोर्ड्स की, क्लोजिंग यूनिट्स 250 है, तो ये कॉस्ट ऑफ सेल बना दी इसने। वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट आ गई, फिक्स्ड सेलिंग कॉस्ट आ गई, तो ये इसका प्रॉफिट निकल आया जी $10, और ये इसकी प्राइस है। अब हमें करना क्या है, व्हाट वुड बी द बजटेड प्रॉफिट इफ मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम वुड बी यूज्ड। कहता है ये अब्सॉर्प्शन से मैंने किया है, अब्सॉर्प्शन से कैसे पता चला कि फिक्स्ड कॉस्ट भी सीजीएस का पार्ट बनी हुई है। कहता है अगर मार्जिनल कॉस्टिंग यूज करूं तो बताइए क्या प्रॉफिट आएगा, और जब मैंने आंसर देखा ना तो वो हायर और लोअर है, यानी मुझे मार्जिनल का प्रॉफिट नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए कि वो दोनों में फर्क कितना होगा, हायर लोअर में चाहिए मुझे। तो अब आपको पता है कि जब भी हायर लोअर हो तो डिफरेंस वाला फार्मूला लगाते हैं, डिफरेंस इन प्रॉफिट्स इज इक्वल टू क्लोजिंग यूनिट्स माइनस ओपनिंग यूनिट्स इनटू पर यूनिट फिक्स्ड ओवरहेड्स। इस क्वेश्चन में क्लोजिंग यूनिट्स कितने हैं, 250, ओपनिंग है कहीं नहीं नजर आ रहे कि ओपनिंग भी है, तो वो जीरो है। पर यूनिट फिक्स्ड ओवरहेड, ये देखें ये फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं 30,000 टोटल में दिए हुए हैं, और आपने कितने यूनिट बनाने हैं, 750, ये लिखा हुआ है, प्रोडक्शन कितनी हुई है 750, तो 30,000 डिवाइडेड बाय 750 करेंगे तो 40 आएगा जी ओवरहेड अब्सॉर्प्शन रेट इनटू 250। तो इसका मतलब है जब आप इसे 250 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर तो आ गया 10,000। अब अगेन 10,000 वाली दो ऑप्शन है, हायर या लोअर। अब आप मुझे इसका आंसर बताएं, मैं देखना चाहता हूं कि आपने क्वेश्चन को, कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड किया है या नहीं। आपको जो लगता है कि इसका आंसर हायर होगा या लोअर होगा, आप उसका आंसर बताएं।
जी शाबाश, लोअर का आंसर आप मुझे बता रहे हैं जी, लोअर होगा। एक बच्चे ने हायर भी बताया है और ये अगेन वही बच्चा है जिसने पहले गलती की थी, तो इसका मतलब है इसको जरा ज्यादा तवज्जो की जरूरत है। अच्छा गौर से सुने, आप बेटा इस वक्त अब्जॉर्प्शन में है, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, शिफ्ट करने लगे हैं मार्जिनल पे, सेम टू सेम पुराना कॉपी क्वेश्चन है, क्लोजिंग यूनिट ज्यादा है, तो जब क्लोजिंग ज्यादा हो तो अब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट ज्यादा होता है, मार्जिनल का प्रॉफिट थोड़ा होता है, तो इसका मतलब है जब आप शिफ्टिंग करेंगे तो मार्जिनल का प्रॉफिट थोड़ा निकलेगा, कितना थोड़ा निकलेगा, 10,000, तो आपका आंसर होगा 10,000 लोअर। तो जिन्होंने आंसर दे दिया था वेरी गुड, और एक वही बच्चा जिसने पहले अंडरस्टैंडिंग नहीं ली थी उसी ने दोबारा कहा गलत आंसर दिया है, तो बेटा इसको ज़रा ध्यान से अंडरस्टैंड कर लें कि आप जिस सिचुएशन में होते हैं उससे आपने किधर जाना है। अब्जॉर्प्शन में आप इस वक्त खड़े हैं, अब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट 10,000 है, तो जब आप उसे मार्जिनल में शिफ्ट करेंगे तो क्लोजिंग यूनिट ज्यादा होंगे, तो उसकी वजह से आपका मार्जिनल का प्रॉफिट थोड़ा बनेगा, तो 10,000 लोअर विल बी सिलेक्टेड। तो ये बस आखिर पे जाके ये लोअर और हायर का डिसीजन ही लेना है, और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपने सिर्फ उस क्वेश्चन की सिचुएशन के मुताबिक दिमाग को इस्तेमाल करना है। चलें अभी और भी सवाल आएंगे हायर और लोअर वाले, देखते हैं। अज्यूम दैट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट मंथ यूनिट वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस फॉर द मंथ वर इन लाइन विद द बजट। इसका क्या मतलब बना, कहता है वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट और प्राइस दोनों वही रही जो बजट में है, यानी ऊपर वाले सवाल में जो वेरिएबल कॉस्ट है वो भी उतनी रहे, फिक्स्ड कॉस्ट भी उतनी रहे और सेल प्राइस भी उतनी रहे, एंड द इन्वेंट्री लेवल वाज वैल्यूड एट द सेम यूनिट कॉस्ट, पर यूनिट कॉस्ट वही है। इफ द प्रोडक्शन वाज एक्चुअली 700 एंड सेल्स वर 600, वट वुड बी द रिपोर्टेड प्रॉफिट यूजिंग अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग। अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट बताना है तो दो तरीके हो सकते हैं, एक तरीका ये है फार्मूला लगा लो, एक है इनकम स्टेटमेंट बना लें, दोनों से कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉफिट जब फाइंड करना हो तो मैंने क्या सिखाया था, या फार्मूला से कर लो या इनकम स्टेटमेंट से। तो इनकम स्टेटमेंट में लंबा काम होता है, अंडर ओवर भी कैलकुलेट करना पड़ता है, तो फार्मूला से कर लेते हैं, और वो फार्मूला क्या था, वो फार्मूला ये था, अब्सॉर्प्शन प्रॉफिट इज इक्वल टू मार्जिनल प्रॉफिट प्लस क्लोजिंग यूनिट्स माइनस ओपनिंग यूनिट्स इनटू पर यूनिट फिक्स्ड ओवरहेड्स। इसका मतलब है कि इस सवाल में आपने प्रोडक्शन की 700 की, सेल्स की 600 की, तो आपने जब फार्मूला लगाया ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग इज इक्वल टू 100, तो ओपनिंग तो जीरो है, प्रोडक्शन की 700 की, क्लोजिंग की 600 की, नहीं सॉरी क्लोजिंग तो निकालना है, सेल्स है 600, तो यहां से क्लोजिंग का आंसर आएगा 100। तो जो जो चीजें आसानी से मिल रही हैं वो लिख लेते हैं, पर यूनिट फिक्स्ड ओवरहेड ये आपने कैलकुलेट किए हैं 40 × 40। इसका मतलब है अगर मेरे पास मार्जिनल प्रॉफिट होता तो अब्सॉर्प्शन प्रॉफिट का आंसर तो फौरन ठक करके आ जाना। अब मार्जिनल प्रॉफिट निकाल लेते हैं, कैसे निकलता है, टोटल कंट्रीब्यूशन माइनस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। अब टोटल कंट्रीब्यूशन निकालना है तो उसका फार्मूला आता है पर यूनिट कंट्रीब्यूशन इनटू यूनिट सोल्ड,
अब पर यूनिट कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए मुझे पर यूनिट डाटा चाहिए। क्या है? सीधा सीधा नहीं दिया हुआ लेकिन निकाला जा सकता है। जैसे ये देखो, ये रेवेन्यू 90,000 का टोटल है, ये कितने यूनिट सेल करके 90,000 मिला था? ये लिखा हुआ है 500 यूनिट सोल्ड, तो इसको 500 से डिवाइड करें तो क्या सेल प्राइस निकलती है? 90,000 डिवाइडेड बाय 500, 180, ये इसकी सेल प्राइस निकल आई। कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए एक तो सेल प्राइस चाहिए होती है, एक वेरिएबल कॉस्ट चाहिए होती है। तो वेरिएबल कॉस्ट ये है जी 45,000। ये कितने यूनिट्स की 45,000 है? 750 की। 750 कहां से पता चला? ये लिखा हुआ है कि प्रोडक्शन कितने की हुई है? 750 की। तो 45,000 डिवाइडेड बाय 750, तो ये आंसर आता है 60। अच्छा, क्या और भी कोई वेरिएबल कॉस्ट है? बिल्कुल है, ये लिखा हुआ है 5,000। ये सेलिंग है, तो सेलिंग किस पे बेस करता है? यूनिट सोल्ड पे। और यूनिट सोल्ड कितने हैं? 500। 5,000 डिवाइडेड बाय 500, तो ये आया 10। तो अब सेल प्राइस माइनस ऑल वेरिएबल कॉस्ट करूं तो आपका कंट्रीब्यूशन आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। तो सेल प्राइस 180 है माइनस ऑल वेरिएबल कॉस्ट, वो मैं निकाल चुका हूं, 60 और 10, 70 हो गया। ये जो आंसर आएगा इसे मैं किससे मल्टीप्लाई करूं? इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कितने यूनिट सेल कर रहा है वो 600 यूनिट सेल कर रहा है अगले सवाल में, तो 600 से मल्टीप्लाई करूं माइनस, ये एक पोर्शन हो गया टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। तो आपको पता है कॉस्ट क्लासिफिकेशन में पढ़ाया था कि फिक्स्ड कॉस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी के साथ चेंज नहीं होती, तो वो 30,000 है टोटल में और एक आपकी 25,000 है, तो फिक्स्ड कॉस्ट 30,000 और 25,000 आपकी दो फिक्स्ड कॉस्ट हैं, तो एक 30,000 है और एक 25,000 है, वो चेंज नहीं होती क्योंकि एज पर डेफिनेशन इन कॉस्ट क्लासिफिकेशन फिक्स्ड कॉस्ट इज अ कॉस्ट विच डज नॉट चेंज विद द लेवल ऑफ एक्टिविटी। तो 180 माइनस 70 आप जब करेंगे तो 110 आएगा, उसको 600 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कंट्रीब्यूशन आ गया जी 66,000। और 30 और 25 कितना हो जाएगा? 55। तो इसमें से आप 55,000 को लेस करें तो मार्जिनल का प्रॉफिट आ गया बेटा 11,000। जो चीज मसला कर रही थी वो मिल गई 11,000, और 100 को जब 40 से ज़रब देंगे तो 4,000 बनेगा, तो इट मींस अब्सॉर्प्शन प्रॉफिट इज 15,000। उम्मीद है सवाल अच्छा लगा होगा क्योंकि इस सवाल ने बड़े कॉन्सेप्ट याद कराए हैं, कॉस्ट क्लासिफिकेशन भी ताज़ा करा दी और मार्जिनल अब्सॉर्प्शन भी। इनकम स्टेटमेंट चाहते तो इनकम स्टेटमेंट भी बना सकते थे, फिर भी 15,000 ही जवाब आना है, लेकिन इनकम स्टेटमेंट में फिर अंडर ओवर की कैलकुलेशन भी करनी पड़ेगी। अच्छा, इस क्वेश्चन में ये जो मैंने वर्किंग की है ना, इस वर्किंग को भी आपने ध्यान से देख लेना कि मैंने कैसे पर यूनिट कॉस्ट निकाल लिया। वेरी सिंपल, जो प्रोडक्शन से रिलेटेड चीजें हैं उनकी पर यूनिट कॉस्ट प्रोडक्शन यूनिट्स पे निकलनी है। जैसे वेरिएबल सेलिंग, वेरिएबल प्रोडक्शन को मैंने 750 से डिवाइड किया, वेरिएबल सेलिंग को मैंने 500 से डिवाइड किया। ये वही पुरानी लॉजिक है जो मैं पिछले 2-3 दिन से बोल रहा हूँ कि प्रोडक्शन से रिलेटेड कॉस्ट प्रोडक्शन यूनिट्स पे निकलती है, सेल से रिलेटेड कॉस्ट सेलिंग यूनिट्स पे निकलती है। तो इनको आप स्क्रीनशॉट ले लें, ये जो मैंने वर्किंग की है रेड कलर में ये भी आपको नजर आ जाएगी, ये कंप्लीट आपके सामने दिखा दिए क्वेश्चन। ये एक ही डाटा दो सवालों से रिलेटेड था, तो क्वेश्चन तो आपके पास मौजूद होंगे। स्क्रीनशॉट लेने का फायदा ये है कि आप जब इसे अपनी नोटबुक पे लिखेंगे तो आप इस तरीके से इसकी वर्किंग कर लीजिएगा। जी क्वेश्चंस हैं तो मैं देख लेता हूं।
बच्चे तो लायक हो गए हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में पहले ही आंसर बता देते हैं। 11,000 भी बता दिया था, 15,000 भी। अब आगे वीकेंड है ना, आपने जाहिर है पढ़ना भी है, काम भी करना है, तो मैं अब आपको क्वेश्चन जो है वो होम असाइनमेंट के लिए दे रहा हूँ, ताकि वो जो आपकी एक डिमांड है कि अनसीन हमें भी करने चाहिए, तो आप करके देख लेंगे। अगर आपसे ना हुए तो फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा। ये क्वेश्चन भी आपसे हो जाएगा, ये ट्रू फॉल्स तो मेरा ख्याल है हो ही जाएंगे, लेकिन पढ़ लेते हैं। द कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट विल बी कॉन्स्टेंट इफ द सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज। ये बिल्कुल हमें पता है कि सेल्स वॉल्यूम बढ़े तो कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट पे फर्क नहीं आता। मैंने सबसे पहले इलस्ट्रेशन कराई थी जब ये टॉपिक स्टार्ट हुआ, तो वो था ना 1200 यूनिट बनाए तो फिर कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है, 1500 बनाए तो फिर कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो हमने देखा था पर यूनिट कॉन्ट्रीब्यूशन सेम रहता है। और मार्जिनल कॉस्टिंग में अंडर ओवर होता है, नहीं होता, सही लिखा हुआ है, ये भी ट्रू है। ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये किससे रिलेटेड है, मार्जिनल कॉस्टिंग। तो हमें पता है अंडर ओवर की कैलकुलेशन सिर्फ अब्जॉर्प्शन में आती है, मार्जिनल में नहीं आती, तो ये सही लिखा है इसने। मार्जिनल कॉस्टिंग डज नॉट प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग, ये तो गलत लिखा है इसने, क्योंकि मैंने बताया था कि मार्जिनल कॉस्टिंग इज यूज फॉर डिसीजन मेकिंग, फैसले करने के लिए डिसीजन मेकिंग में ये यूज होती है, तो ये स्टेटमेंट गलत लिख दिया ये डज नॉट की वजह से। कहता है मार्जिनल कॉस्टिंग हमें कोई फायदा नहीं देती, नहीं ये गलत लिखा है। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ए जिसमें लिखा है 1 एंड 2 ओनली, तो आंसर होगा ए ऑप्शन। ओके, इस सवाल में बजटेड लेवल फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा, ये आप करेंगे खुद से, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपसे होगा। इन अ गिवन पीरियड द प्रोडक्शन लेवल ऑफ एन आइटम एग्जैक्टली मैचेस द लेवल ऑफ सेम सेल्स, यानी ये क्या कह रहा है कि ये एक ऐसा पीरियड है जिसमें प्रोडक्शन बराबर है सेल्स के, तो इसका मतलब है इस पीरियड में क्लोजिंग यूनिट बराबर है ओपनिंग के, ये कल पढ़ाया था। तो फिर इस पीरियड में क्या होगा, अब्सॉर्प्शन का प्रॉफिट बराबर होगा मार्जिनल के प्रॉफिट के, तो बताएं कौन सा ऑप्शन बनेगा। देर वुड नॉट बी अ डिफरेंस, ये आंसर है आपका, ऑप्शन मुझे नजर भी आ गया जी, ठीक है ए ऑप्शन आपने बता दिया सबने जी, क्योंकि जब प्रोडक्शन और सेल्स बराबर हैं तो आपके क्लोजिंग यूनिट और ओपनिंग यूनिट की फिगर बराबर रहेगी और फिर प्रॉफिट भी सेम रहेगा। ये बात हमने कल डिस्कस की थी, देखें आज पूछ भी लिया, इसी तरह पेपर में भी पूछ लेना है, तो आपको तो ये सारा बहुत अच्छे तरीके से आ जाना है। ये अगेन एनालिटिकल क्वेश्चन है, ये अब मैं आप पे छोड़ रहा हूं, क्योंकि आपको भी एनालिटिकल होना चाहिए ना। अच्छा जी, ये क्वेश्चन देखते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट फिक्स्ड वेरिएबल, सेलिंग कॉस्ट फिक्स्ड वेरिएबल, प्रॉफिट इतना, सेल प्राइस इतनी, व्हाट वुड बी द क्लोजिंग इन्वेंट्री टू बी वैल्यूड अंडर अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग। अब ये बात आपको मैंने सिखाई है कि अगर इन्वेंट्री की वैल्यू कहे तो सबसे पहले देखना है सिस्टम कौन सा है, तो सिस्टम तो बता दिया अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग है, तो अब्सॉर्प्शन में वेरिएबल भी आती है और फिक्स्ड भी आती है, तो इसका मतलब है कि प्रोडक्शन से रिलेटेड फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों को टोटल कर ले, 33 + 45.1, तो 78.1 आएगा जी। अच्छा यहां पे आप देखें, टू टू डेसिमल प्लेसेस, यानी इशारिया के बाद 2 डिजिट होने चाहिए।
अब अगर आपने 78.1 लिखा तो नंबर नहीं मिलेंगे, आपको 10 लिखना पड़ेगा, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट है कि मुझे इशारिया के बाद दो डिजिट तक चाहिए। कंप्यूटर तो डम्ब है, उसने नहीं देखना कि 0.1 का मतलब 0.10 ही होता है। जब उसके आंसर में फीडिंग हो गई है कि 2 decimal तक आपने बताना है और आपने 1 decimal तक लिखा तो नंबर नहीं मिलेंगे। आप अपनी तरफ से सवाल सही करके आए हैं, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट थी कि मुझे 10 चाहिए जी। तो ये बात देखें, इसमें एक छोटा सा ट्रिक भी था, ये सवाल आसान था लेकिन इसमें वो डेसिमल वाला ट्रिक था कि कितने डेसिमल प्लेसेस तक चाहिए आंसर जी। तो ये देखें, ये हमने इन्वेंट्री बतानी थी। अच्छा, मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगर हमने इन्वेंट्री की वैल्यू मार्जिनल कॉस्टिंग में बतानी होती तो फिर क्या आंसर आना था, कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर यही कंपनी मार्जिनल को यूज करे तो फिर आंसर मुझे क्या लिखना चाहिए, मार्जिनल कॉस्टिंग, ये अब्सॉर्प्शन की जगह पे उसने वर्ड यूज कर दिया मार्जिनल कॉस्टिंग। जी शाबाश, 45.10, 2 decimal प्लेस तक बताना था तो आंसर होगा 45.10, क्योंकि मार्जिनल में सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट आती है इन्वेंटरी की वैल्यू में। ये मैंने आपको उस दिन पढ़ाया था ना, जिस दिन मैंने IAS 2 का रेफरेंस दिया था, याद आ जाएगा अब आपको कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, तो उस दिन मैंने इन्वेंटरी वैल्यूएशन के बारे में बताया था कि जब इन्वेंटरी की वैल्यू की बात करेगा तो सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट लेनी है, और फिर उसमें प्रोडक्शन से रिलेटेड अगर मार्जिनल है तो सिर्फ वेरिएबल लेना है, और अगर अब्सॉर्प्शन है तो वेरिएबल और फिक्स्ड दोनों लेना है। तो ये कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल सही बिल्ड हो गया है, आपने मुझे इसका आंसर सही सही बता दिया है जी। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, अगर इसी सवाल में आपसे पर यूनिट कॉन्ट्रीब्यूशन पूछा जाता तो फिर क्या आंसर होना था। इसी क्वेश्चन में अगर आपसे पर यूनिट कॉन्ट्रीब्यूशन पूछ लिया जाए तो फिर क्या आंसर होगा, ये अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। जी फसी, आपने सही बताया, उमर ने भी सही बताया। ताहा, आपके आंसर की मुझे समझ नहीं आई, 4.2 आंसर नहीं बनता किसी तरह भी, 4.2 की मुझे समझ नहीं आई, 4.2 गलत है अगर आपने कंट्रीब्यूशन का आंसर 4.2 निकाला है। अनैनिमस अटेंडी ने कहा है 14.7, यार 14.7 तो प्रॉफिट है, प्रॉफिट कुछ और होता है, कंट्रीब्यूशन उसका कजन है, ठीक है, प्रॉफिट कोई और चीज है, कंट्रीब्यूशन कोई और चीज है। 37.9 भी गलत है। उमर ने कहा है कि टॉपिक मुश्किल है लेकिन इंटरेस्टिंग है, तो उमर आप इसकी जरा थोड़ी सी रिवीजन करो, अगर मसला हो तो मेरे से डिस्कस करो, इंशाल्लाह ये डिफिकल्ट नहीं लगेगा। अच्छा चले, मैं आपके सामने इसको कर देता हूं जी। पर यूनिट कंट्रीब्यूशन का फार्मूला हमने कितनी दफा लिखा, सेल प्राइस पर यूनिट माइनस ऑल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अब इस डाटा में से सेल प्राइस पर यूनिट देखें 164 माइनस ऑल वेरिएबल कॉस्ट, तो मैं ऑल वेरिएबल कॉस्ट के लिए ब्रैकेट बना लेता हूँ, एक तो है 45.1 और वेरिएबल कॉस्ट कौन सी है, सेलिंग है 7.2
इन दोनों को ऐड करके 164 में से लेस कर दें तो ये आता है 111.7। तो भाईजान ये मुश्किल था। अब जिन लोगों से नहीं हुआ उनका मैं क्या करूं? इसका हल क्या है जिनसे नहीं हुआ? उन्होंने ना जुबानी जुबानी इसे किया है। मैंने आपको कई दफा कहा है कि अगर आपसे एक काम ना हो उसे लिख लिया करें, यानी जो चीज रिक्वायर्ड है उसका फॉर्मूला लिखें। जब आप लिखेंगे तो आपको रास्ता नजर आने लग जाएगा। पर यूनिट कंट्रीब्यूशन में हमने लेना होता है सेल प्राइस पर यूनिट माइनस ऑल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अब आपको पता है सेल प्राइस क्या है, वेरिएबल कॉस्ट का भी पता है। देखें लिखा हुआ साथ, ये देखें ये वेरिएबल, ये भी वेरिएबल, तो सारी वेरिएबल लेनी है। अब तो देख के पहचान नहीं है ना, तो ये तो बहुत छोटे बच्चे जो हैं वो पहचान लेते हैं कि वेरिएबल में कौन कौन सी चीजें आएंगी। वेरिएबल जिसके साथ लिखा हुआ है उसने खुद से, इस सारे टॉपिक को बड़े ध्यान से रिवाइज करें। जो मैंने आपको टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग्स कराई हैं, क्वेश्चंस कराए हैं, दो चार सवाल मैंने आप पे छोड़ दिए हैं, तो ये कैपलान की किट जो है ये कंप्लीट हो चुकी है। बीपीपी की किट हमने नहीं की अभी, लेकिन आप पहले इतना कर लें, फिर जब आपके पास टाइम बचेगा लाइक सैटरडे संडे तो उसमें आप बीपीपी की किट को भी करने की कोशिश कर सकते हैं, आपसे हो जाएगी। मैं नेक्स्ट क्लास में जब आऊँगा, मैं आते ही सबसे पहले बीपीपी की किट को डिस्कस करूँगा। जो जो क्वेश्चन आप मुझे कहेंगे हम पहले वो बीपीपी की किट से करेंगे, उसके बाद हम अगले टॉपिक की तरफ जाएंगे। ठीक है जी, जी एक स्टूडेंट ने कहा है कि सर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट में कांस्टेंट तो तभी होगा जब हम पर यूनिट वैल्यू लेंगे। अगर आप टोटल भी ले लेना तो पर यूनिट में कांस्टेंट ही होता है। मैंने आपको ये बात ना यहाँ पे बताई थी जब मैंने पहले दिन ये काम करवाया, तो पर यूनिट कंट्रीब्यूशन हमने कैलकुलेट किया था, वो मेरा ख्याल है बुक के किसी पेज पे मैंने आपको करके दिखाया था, ये वाला, ये देखें 1200 पे भी 200 ही आया आंसर और 1500 पे भी 200 ही आया। तो टोटल से भी ले लें तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कांस्टेंट ही रहता है। क्यों? क्योंकि कंट्रीब्यूशन चेंज तब होता है जब सेल प्राइस चेंज हो या वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो। जब तक इनमें कोई फर्क नहीं ना पड़ेगा पर यूनिट में, यानी सेल प्राइस पर यूनिट में कॉन्स्टेंट रहे, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में कॉन्स्टेंट रहे, तो आपके कॉन्ट्रीब्यूशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माशाल्लाह, एक स्टूडेंट ने कहा है सर मैंने बीपीपी की किट कल ही कर ली थी, 4 से 5 सवाल रहते हैं सिर्फ। वेरी गुड ताहा। तो देखें अभी हमने प्रैक्टिस स्टार्ट भी नहीं की थी और एक स्टूडेंट ने बीपीपी की किट भी कर ली, तो ये और अच्छा खुशाइंद बात है कि आपको चीज़ें अच्छी तरीके से समझ आ गई हैं। चलें जी ठीक है, फिर क्लास एंड होने का टाइम हो गया है तो क्लास को एंड करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।